नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ पूजा शर्मा। सुबह की शुरुआत करते हैं देश विदेश की ताजा खबरों के साथ। बीएसपी सांसद दानिश अली से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने की मुलाकात। जयपुर हेरिटेज की मेयर मुनेश गुजर को राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में फिर किया सस्पेंड। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत आज करेंगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी राधाष्टमी की शुभकामनाएं। यूएनजीए में बोला भारत, 26/11 के जिम्मेदार आतंकवादियों पर कार्रवाई करे पाकिस्तान। पानीपत में गैंगरेप और हत्या मामले में एसआईटी का गठन, कांग्रेस आप ने खट्टर सरकार पर हमला बोला। दिल्ली में डीयूएसयू चुनाव की होगी मतगणना, आज सामने आएंगे नतीजे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आज जयपुर में रैली को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई दौरे पर जाएंगे। यूक्रेन के पायलटों को ट्रेनिंग देगा कनाडा, ट्रूडो से मुलाकात के बाद बोले जेलेंस्की। प्रधानमंत्री आज अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की आज होगी पहली बैठक। पीएम मोदी आज वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी बोंग से की मुलाकात। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के आज घोषित किए जाएंगे परिणाम। अब एक नजर डालते हैं भारत की बड़ी खबरों पर। यूएन जनरल असेंबली में एक बार फिर 26/11 का मुद्दा उठाया गया, जिसमें पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने यूएन जनरल असेंबली में कश्मीर का मुद्दा उठाया। इस पर भारत की प्रतिनिधि पटेल गहलोत ने पॉक का नाम लिए बिना कहा कि सबसे पहले तो पाकिस्तान उन इलाकों को खाली करे जिस पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है, साथ ही 26/11 मुंबई हमले के दोषियों पर कार्यवाही करनी चाहिए। पटेल ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद पर भी कार्यवाही करे और सीमा पर आतंकवाद को शह देना बंद करे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार उल्लंघन पर रोक लगाई जाए। दुनिया के सबसे खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड वाला देश बस पाकिस्तान है। लोकतंत्र के मंदिर में अभद्रता यानी संसद भवन में गालियां देने पर भाजपा ने विधूड़ी को नोटिस दिया। दानिश बोले, न्याय नहीं मिला तो सदन छोड़ दूंगा। दिल्ली से भाजपा सांसद रमेश विधूड़ी ने अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली को गालियां दी, जिसके बाद दानिश अली ने कहा कि अगर विधूड़ी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वे संसद की सदस्यता छोड़ देंगे। भाजपा सांसद के इस व्यवहार पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें चेतावनी दी। इधर पार्टी ने भी रमेश विधूड़ी को नोटिस जारी किया है। हालांकि मामले में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल विधूड़ी के सदन में निलंबन की मांग कर रहे हैं। जेडीएस पार्टी को नाम से हटा लेना चाहिए सेक्युलर। एनडीए में शामिल होने के बाद प्रियंका खड़गे का तंज, बोले बीजेपी इनकी बी टीम है। कर्नाटक की जनता दल सेक्युलर जेडीएस पार्टी आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल हो गई है। 22 सितंबर को जेडीएस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद यह ऐलान किया था। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे ने इस गठबंधन को लेकर जेडीएस पर तंज कसा। प्रियंक ने कहा कि जेडीएस को चुनाव आयोग को पत्र लिखना चाहिए और अपनी पार्टी के नाम से सेक्युलर शब्द हटा देना चाहिए, क्योंकि एक समय आप धर्म निरपेक्ष होने का दावा करते हैं और उसी समय आप स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे सांप्रदायिक पार्टी से हाथ मिला रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे विज्ञान भवन में इंटरनेशनल वकील कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे जनसभा को संबोधित भी करेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 23 और 24 सितंबर को न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। अब एक नजर डालते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों पर। हरियाणा के सभी 22 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। सूबे में गरज चमक के साथ मौसम विभाग ने हल्की मध्यम बारिश होने के आसार जताए हैं। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना है। इससे तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जाएगी। हरियाणा के पलवल में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में अधिकारियों के रूखे व्यवहार की शिकायत मिलने पर मंत्री बनवारी लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगे से ऐसी शिकायत मिली तो बख्शा नहीं जाएगा। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में रखी गई 12 शिकायतों में से 10 शिकायतों को मौके पर ही निपटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जिले में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पहुंचे थे। हिसार के कुलाना में ऑटो मार्केट में गैस वेल्डिंग के दौरान डंपर में आग लगी। बैटरी फटने की वजह से आग तेजी से फैल गई और डीजल की टंकी तक पहुंच गई।
आसपास के लोगों ने मिट्टी और पानी से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मौके पर बुलाया गया। दो गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रोहतक के जिला विकास भवन स्थित सभागार में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक ली। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के चाचा अभय चौटाला ने एक बयान दिया। इस बयान में अभय चौटाला ने कहा था कि जेजेपी की हरियाणा में जमीन खिसक रही है, इसलिए वे राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हरियाणा के हिसार जिले में रोडवेज कर्मचारियों ने गुरुवार को सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। परिवहन मंत्री का पुतला जलाया। कर्मचारियों ने रोष जताया है कि परिवहन मंत्री एवं विभाग के प्रधान सचिव के साथ 23 जून को वार्ता के दौरान सहमत मांगों को लागू नहीं किया गया है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर आज प्रदर्शन कर रोष जताया और बस स्टैंड पर पुतला फूका। अब एक नजर डालते हैं क्रिकेट के खिलाड़ियों पर। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे में 5 विकेट से हराया। मोहाली में टीम इंडिया के स्टैंड इन कप्तान के राहुल ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। इंजरी के बाद भी वापसी कर रहे हैं श्रेयस अय्यर से डेविड वार्नर का कैच छूट गया, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव ने कैमरून ग्रीन को रन आउट किया। एशियन गेम्स के 19वें एडिशन की शुरुआत के बाद 30 सितंबर यानी आज से चीन के हांगझोऊ में हो रही ओपनिंग सेरेमनी आज भारतीय समय अनुसार यानी शाम 5:30 बजे से शुरू होगी। मेंस हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और बॉक्सर लवलीन बोरगोहन तिरंगा लेकर इंडियन टीम को लीड करेंगे। अब एक नजर डालते हैं मनोरंजन की दुनिया पर। शादी की अफवाह पर साई पल्लवी ने तोड़ी चुप्पी, बोली यह फोटो मुहूर्त पूजा की है, गलत इरादे से इसे क्रॉप किया गया है। राघव से 120 गुना ज्यादा है परिणीति की नेटवर्थ। 99 लाख की जगुआर में घूमती है परिणीति चोपड़ा। राघव के पास सिर्फ स्विफ्ट डिजायर। सोनाक्षी ने दिखाई अपनी सी फेसिंग अपार्टमेंट की झलक। एक्ट्रेस ने शेयर किया 11 करोड़ की प्रॉपर्टी का वीडियो। 4 बेडरूम के साथ बनवाया 8 स्टूडियो। पंजाबी रैपर शुभ का भारत टूर कैंसिल। कंगना रनौत ने ऑर्गेनाइजर्स के फैसले का किया स्वागत। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बेहतरीन खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।